कि किन्नर लोग वहाँ किसी तरह का कोई घरों में हुड़दंग करते हैं, यानी 1100 रुपए की राशि स्वीकार करने से मना करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ये लोग वहाँ एक निर्लज सा कार्य करते हैं, कई बार नग्न भी हो जाते हैं, जिससे परिवार में जो एक खुशी का माहौल होता है वो नफरत के माहौल में बदल जाता है। पूरा देश इनसे दुखी है और अब प्रशासन की अब भी ड्यूटी बनती है असली नकली की पहचान करके उनको पहचान पत्र दिए जाएं। हमने ये निर्णय लिया है कि जब ये घरों में आते हैं तो 1100 रुपए के शगुन की राशि हम उन्हें देंगे। कोई हुड़दंग करते हैं, कोई ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने आज 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है कि हर दुकानदार केवल 100 रुपए की राशि इस मौके पे उनको देगा। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय पंजाबी सेवा सदन में हम मौजूद हैं, जहां पंजाबी समुदाय इकट्ठा होकर के किन्नर विवाद में कूद पड़ता है और किस तरीके से कूदता है। आज पंजाबी समुदाय द्वारा किन्नर समाज को जो बधाई दी जानी है वो फिक्स कर दी जाती है, किस तरीके से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, अभी हम बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है सर? मैं शिव शंकर पाहवा जी, संस्थापक सेवा संघ के अध्यक्ष। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया था आज? मैं समझता हूँ कि एक ऐसी प्रथा जो सदियों से हमारे परिवारों में चली आ रही थी जी, वो यही थी कि खुशी के मौके पे किन्नर लोग घरों में आते थे, बधाई लेते थे, नाच गाना भी करते थे, दुआएं भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे, और परिवार के लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी उनको देना चाहते थे देते थे। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ ये प्रथा एक सामाजिक बुराई बन गई। बुराई इस तरह से कि किन्नर लोग जब अब घरों में जाते हैं, एक तो समस्या अब ये उत्पन्न हो गई है कि कौन असली है कौन नकली है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, ये प्रशासन का काम है। तो हम इस विषय के ऊपर ज़्यादा ना जाते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि जब ये घरों में आते हैं तो 1100 रुपए के शगुन की राशि हम उन्हें देंगे। अगर वो कोई हुड़दंग करते हैं, कोई ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमने आज 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। जिस प्रकार आज जो हमारा फैसला है, इस फैसले को हम अपने समाज तक पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से, तो इन 11 सदस्यों के नाम और उनके नंबर भी हम डिस्प्ले करेंगे। वो क्या काम करेंगे सर? अगर ऐसी समस्या आती है कि किन्नर लोग वहाँ किसी तरह का कोई घरों में हुड़दंग करते हैं, यानी 1100 रुपए की राशि स्वीकार करने से मना करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि ये लोग वहाँ एक निर्लज सा कार्य करते हैं, कई बार नग्न भी हो जाते हैं, जिससे परिवार में जो एक खुशी का माहौल होता है वो नफरत के माहौल में बदल जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति आए, उसी के लिए कमेटी बनाई गई है। ऐसी अवस्था में घर के लोग इस 11 सदस्य कमेटी में से किसी को भी टेलीफोन करके बुला लेंगे जी। हमारे सदस्य वहाँ जाएंगे, बड़े प्यार से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते तो हम प्रशासन का सहयोग भी उनसे लेंगे, ऐसा हमने आज निर्णय किया है। इसके अलावा जैसे त्यौहार हैं, हमारे सामाजिक त्यौहार हैं, हमारे उस पर हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे मौक़ों पर भी ये किन्नर लोग बधाई लेने के लिए, बख्शीश लेने के लिए दुकानों पे आते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हर दुकानदार केवल 100 रुपए की राशि इस मौके पे उनको देगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से 1100, 2100, 5100 इतने पैसे मांगते हैं और कई बार लोग नहीं दे पाते। तो यही निर्णय लिया गया है कि 100 रुपए की राशि हर कोई दे सकता है, तो यही राशि उनको दी जाएगी जी। जो किन्नरों का लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था और एक पक्ष की ये भी मांग थी कि भाई बधाई इनकी फिक्स कर दो, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि एक पक्ष को आपने समर्थन दिया या आपका निजी फैसला? नहीं,
ये हमारा निजी फैसला है, हम किसी भी पक्ष को ना सपोर्ट करते हैं ना उसका विरोध करते हैं, ये समाज का ही फैसला है, हमारे पूरे समुदाय का फैसला है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये फैसला काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जो शहर में माहौल बना है तो ये फैसला लेने के लिए हम मजबूर हुए हैं और आज इसीलिए हमने ये फैसला लिया। शहर के लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जो शहर के लोग हैं? शहर के लोगों को भी हमारा यही संदेश है कि हम मिलजुल करके इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करें और इस तरह का फैसला सारे लोग बैठ करके आपस में लें। मैं समझता हूं कि जो फैसला आज हमने लिया है, ये फैसला जैसे ही बाकी समुदायों के पास, बाकी लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो भी प्रेरित होकर ऐसा फैसला अवश्य लेंगे ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से ख़त्म किया जाए। सर, जो आपने 11 मेंबरी टीम बनाई है, जानना चाहते जी, सर नाम क्या है सर आपका? राजकुमार मुखर्जा, प्रधान पंजाबी वेलफेयर सभा जी। तो जो अन्य जो समुदाय हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि भाई वो आपसे क्या सीख सकते हैं? देखो, अन्य समुदायों को भी ये कहना चाहते हैं, अभी मिलजुल के शहर में चले तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए है ये, तो सबके लिए परेशानी आ रही है, ये इस परेशानी का समाधान पंजाबी समाज के शिव शंकर बाबा जी अध्यक्षता में पंजाबी सेवा सदन में हुई है, इसलिए कि परेशानियां तो कई सालों से आ रही थी, भी किसी घर में जाते थे तो खुशी खुशी बधाई मांगने, वहाँ छोटा मोटा विवाद हो जाता था, मुझे इतने दो इतने दो इतने दो, इसलिए ये विवाद को मिटाने के लिए आज पंजाबी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है सारा, और इसमें यही फैसला लिया गया है कि खुशी के टाइम कोई भी आए किन्नर हमारे घर में, उसमें हमने 1100 रुपये खुशी के टाइम उनको देने, खुशी खुशी 1100 रुपये दे दिए। तो सरकाना जी, आप अपना सीनियर सिटीजन पर क्या कहना चाहोगे आप? निजामन जी, आज की जो मीटिंग विशेष बुलाई गई है शिवशंकर पावा जी की अध्यक्षता में, ये समस्या कई सालों से आ रही थी, जो किन्नर समाज का जो झगड़ा चल रहा है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रशासन डिसाइड करेगा कौन असली हैं कौन नकली हैं, हमारा आज का विषय ये नहीं था। हमारा आज का विषय ये था कि जब ये लोग किसी खुशी के मौके पर घरों में बधाई मांगने के लिए जाते हैं तो वो एक राशि फिक्स कर दी जाए, क्योंकि जब इनको ये मुँह मांगे पैसे मांगते हैं, कहीं 11 मांग लिए, कहीं 51 मांग लिए, तो अगर कोई नहीं दे पाता, सारे परिवार समर्थ नहीं होते कि भाई हम इतना पैसा दे सकते हैं, तो ये झगड़े पे उतारू हो जाते थे। उसको ख़त्म करने के लिए एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जो है अगर कहीं ये झगड़ा करेंगे तो वो कमेटी जाके सॉल्व करेगी, अगर उससे सॉल्व नहीं होती तो ये फिर प्रशासन से अपील की जाएगी कि इनके ऊपर लगाम की जाए, और कोई भी अगर ये झगड़ा करता है तो इसके खिलाफ जो है थाने में पर्चा भी दर्ज कराया जाएगा, और कोई और एक्शन लेना पड़ा वो भी जो है ना समाज इकट्ठा मिलकर लेगा। हम पंजाबी समाज से ये अपील करते हैं कि जो आज का निर्णय लिया गया है उसको कृपया करके लागू किया जाए, उसमें कोई अपना वो ना दिखाएं कि मैं ज़्यादा अमीर हूँ मैं ज़्यादा गरीब हूँ, ये सबके लिए एक जैसा है, तो सारे इसमें मिलजुल कर सहयोग देंगे और उम्मीद है कि ये जो है ना लागू भी हो जाएगा और इससे प्रशासन को भी अवगत करा दिया जाएगा और मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को भी ये अपील करते हैं कि वो इस निर्णय को माने, और जो है पावा जी की अध्यक्षता में मीटिंग लगी गई है, ये एक बहुत अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। राजपाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये समस्या विकट रूप धारण कर चुकी थी, लोग इसको काफ़ी समय से फेस कर रहे थे, अब ये समस्या हमारे अकेले समाज की नहीं है, पूरे कैथल के समाज के लिए है, ये मेरे ख्याल से पूरे देश की भी, पूरे देश की भी समस्या कह सकते हैं। इसमें अब क्या है, इसमें जो अपराधी किस्म के लोग थे वो भी इसके अंदर अपना जेंडर चेंज करके किन्नर बन चुके हैं, और क्योंकि उसके अंदर ये दोनों तरह के काम करते हैं, ये नशे का भी व्यापार करते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, ये इस तरह से भी करते हैं, ये अब जब से ये नकली किन्नर आए हैं ये तब से ये धंधा ज्यादा चालू हो गया, और इसमें ज्यादा लोग इन्होंने, जब असली किन्नर होते थे उन्होंने कभी ना जिंदगी में परेशान किया, उनको तो उल्टा लोग इन्विटेशन देके घर से बुला के आते थे, जो श्रद्धा से देते थे ले जाते थे, कोई अड़ोसी पड़ोसी वेल कर देता था वो भी ले जाते थे, तो ये काम शांतिपूर्वक होता था और खुशी पूर्वक होता था। अब ये कमाई के लिए पैसा इसमें इतना आ गया,
है, लाखों रुपए डेली इनकम हो गई है, तो इसके अंदर जेंडर चेंज करके अपराधी किस्म के लोग भी इसके अंदर आ चुके हैं। जब बधाई मांगने जाते हैं तो दुर्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार इतना किया जाता है, वो बेबस हो जाते हैं, शर्म के मारे अड़ोस पड़ोस देख रहा है, ये देख रहा है, उसका समर्थ है नहीं है, चाहे अपने आप को गिरवी रखे चाहे टूम गिरवी रखे, इनकी पूर्ति उनको करनी करनी पड़ती थी। अब ये लोग इंतजार में थे, लोगों की कंप्लेंट भी आ रही थी और सारा समाज पूरा देश इनसे दुखी है। और अब प्रशासन की अब भी ड्यूटी बनती है असली नकली की पहचान करके उनको पहचान पत्र दिए जाएं, ताकि जनता भी इनसे निवारण पा सके, जो असली किन्नर हैं उनको भी उनका हक मिल सके। अब किन्नर विवाद चल रहा है, हर कोई कन्नी काटता नजर आता है भी, क्योंकि किन्नर है। अब समाज ने इतना बड़ा फैसला देखो ये सब भगवान का वो है, इनकी बददुआ दुआ किसी की नहीं लगती। अगर आपका सही कर्म है, आप सही शिक्षण से चल रहे हो, इससे अच्छा तो अगर ये नहीं है नकली है तो किसी और जरूरतमंद की खुशी में सहायता कर दी जाए, वो इससे भी बढ़िया काम है। और मैं कहता हूँ लोग इमोशनल होके इनकी बददुआओं से ना डर के अपने मन से अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी उनके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। लोग कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार और कहीं ना कहीं बददुआ के डर से इनको मुंह मांगी रकम देने को मजबूर होते थे, विवश होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था, इसमें लेडीज जल्दी इनके वो आ जाती थी, भाई घर में बच्चे हुआ डर जाते थे। लेकिन अब समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी, भैया किन्नर जो नकली या जो है ब्लैकमेलिंग से कभी कोई दाम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि आज जो पंजाबी सेवा सदन कैथल में किस तरीके से किन्नरों के विवाद में पंजाबी समुदाय एकत्रित होता है और वो फैसला करता है कि किन्नरों को बधाई जो है 1100 रुपये फिक्स कर दें और 1100 रुपये ही देनी है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आगे ये विवाद कितना और बढ़ता है और कहां पर कौन सा समुदाय क्या फैसला लेता है और किन्नरों का ये विवाद आखिर कैसे सुलझेगा।